इसके घर पर बुलडोजर चलेगा। जिस दिन भाजपा का सरकार आएगा 24 घंटा के अंदर इरफान अंसारी के घर पर आपका बुलडोजर चलेगा। हम चलवाएंगे खड़ा होकर के, सरकार के गठन होगा, बाबूलाल मरांडी ओथ लेंगे, उधर इरफान का घर ढहेगा। भानु प्रताप शाही आप लोगों को, मैं नखून निकाल लूंगा, नखून इरफान सर मंत्री बनने दीजिए। ये बुलडोजर की बात करते ना, पोकलेन चला के इन लोगों का हिसाब निकालेंगे, जमीन के अंदर पैसा रखा है। पखुरा कब आर लेगा? आने दीजिए सरकार, हम बोले हैं कि उसका घर पर बुलडोजर चलेगा। यही है आतंकवादी का समर्थन करने वाला, मेन रोड में जो आतंकवादी हमला हुआ था उसका समर्थन किया यह आदमी, इसके घर पर बुलडोजर चलेगा। जिस दिन भाजपा का सरकार आएगा 24 घंटा के अंदर इरफान अंसारी के घर पर आपका बुलडोजर चलेगा। हम चलवाएंगे खड़ा होकर के, सरकार के गठन होगा, बाबूलाल मरांडी ओथ लेंगे, उधर इरफान का घर ढहेगा। भानु प्रताप शाही आप लोगों के बीच। आज हम लोग है तो राहुल जी की देन है, कोई नाम ले लेगा इसका मतलब ये थोड़ी प्रधानमंत्री बन जाएगा। अभी तो फर्स्ट फेज है, इलेक्शन आना है, इलेक्शन आने दीजिए। प्रधानमंत्री ओनली वन राहुल गांधी। मैं नखून निकाल लूंगा, नखून इरफान सर मंत्री बनने दीजिए। ये बुलडोजर की बात करते ना, पोकलेन चला के इन लोगों का हिसाब निकालेंगे, जमीन के अंदर पैसा रखा है लोग इनके। आपको पटक के मारेंगे, सुनिए, मैं इनके नखून निकाल लूंगा, मैं बोले पटक लूंगा मैं। इनकी भाषा अमर्यादित भाषा का परिणाम है, देखिए अभी सदन के बाहर बैठे हैं, 24 में घर के बाहर बैठेंगे ये लोग, देख लीजिएगा। और भानु, ये लुटेरा आदमी है, स्वास्थ्य का पैसा लूटा है, दवा का पैसा लूट लिया, गरीब का दवा का पैसा लूट लिया। मैं बात करते हैं इरफान साहब, चैलेंज करेगा भानु? हाँ, चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ, सुनिए, मैं चैलेंज करता हूँ। राज्य में साफ हो गए, क्या बात करेंगे ये भानो? तीन राज्य में ये लोग साफ हो गए, भानो क्या ये बात करेंगे? इनको बोलेगा नहीं था, तीन राज्य में साफ हो गए, बहुत जल्दी इनको भाजपा में लेके आओ, बहुत जल्दी।